टू टूडे एंड डू द सब्जेक्ट इंग्लिश। स्टूडेंट, जैसा कि हमने पेज नंबर 23 पे नेमिंग वर्ड सीखे थे, आज हम उनकी एक्सरसाइज करेंगे पेज नंबर 24 पर। रिव्यू, रीड एंड राइट द करेक्ट नेमिंग वर्ड्स इन द गिवन स्पेस, यानी कि हमें रीड भी करने हैं और राइट भी करने हैं। R E A D रीड, A N D एन, W R I T E राइट, T H E द, C O R R E C T करेक्ट, N A M I N G नेमिंग, W O R D वर्ड, I N N T H E द, G I V E N गिवन, S P A C स्पेस, रीड एंड राइट द करेक्ट नेमिंग वर्ड इन द गिवन स्पेस, यानी कि हमें रीड भी करने हैं और राइट भी करने हैं ये नेमिंग वर्ड्स, ठीक है। S A R A सारा, S C H O L स्कूल, B O X बॉक्स, A M N A आमना, P A R K पार्क, P E N पेन, M A N G O मैंगो, A L I अली, B O K बुक, T E A C H E R टीचर, R O M रूम, H O U S E हाउस। अब देखिए, ये सारे नेम हैं अलग अलग चीज़ों के, यानी कि किसी पर्सन के, किसी एनिमल सॉरी किसी थिंग के, किसी प्लेस के। अब हम ये अलग से यहाँ पर राइट करें, जैसे कि P E R पर S O N सन पर्सन, P L A C E प्लेस, T H I N G थिंग पर्सन प्लेस थिंग, यानी कि यहाँ पर जो भी पर्सन इस बॉक्स में जो भी पर्सन के नेम है हमें यहाँ पर राइट करने हैं, यहाँ पर जो भी प्लेसेस हैं यहाँ पर हमें राइट करने उनके नेम, और थिंग्स के हमें सारे यहाँ पर नेम राइट करने। अब हम आते हैं फर्स्ट वर्ड पर, S A R A सारा। अब आप बताएं सारा क्या है, क्या सारा पर्सन है, प्लेस है या थिंग है? गुड, सारा पर्सन है। यहाँ पर हमें सारा का नाम हमें यहाँ राइट करना है, S A R A सारा। अब आते हैं हम नेक्स्ट वर्ड पर, S C H O L स्कूल। अब स्कूल बताएं क्या है, वो प्लेस है या कोई थिंग है या पर्सन है? शाबाश, ऑफ कोर्स स्कूल जो है वो प्लेस है, यानी कि किसी जगह का नाम है, तो यहाँ पर हम स्कूल किस पर राइट करेंगे, S C H O L स्कूल। अब थर्ड वर्ड पर आते हैं हम, बी ओ एक्स बॉक्स। अब देखें बॉक्स क्या है, वो पर्सन भी नहीं है, प्लेस भी नहीं है, एक बॉक्स चीज़ है, बॉक्स चीज़ मीन्स थिंग है, तो हमें यहाँ पर बॉक्स की स्पेल राइट करनी है, बी ओ एक्स बॉक्स, ठीक है स्टूडेंट। अब आते हैं नेक्स्ट फोर नंबर वर्ड पर, ए एम एन ए आमना। अब आप बताएं आमना क्या है, आमना शाबाश, आमना क्या है, पर्सन है, तो हमें आमना का नाम यहाँ पर राइट करना है पर्सन में। अगर हमने आमना का नाम प्लेस में या थिंग में राइट कर दिया तो ये हमारा सारा गलत हो जाएगा, क्योंकि आमना कोई पर्सन प्लेस नहीं है, थिंग नहीं है, वो एक पर्सन है, एक शख्सियत है, तो इसलिए हमने पर्सन में आमना का नेम राइट किया है, ठीक है स्टूडेंट। अब हम आते हैं नेक्स्ट लाइन पर, पी ए आर के पार्क। अब आप बताएं पार्क क्या है, कोई प्लेस है या थिंग है? ऑफकोर्स पार्क जो है वो प्लेस है, तो यहाँ पर हमें पार्क की स्पेल राइट करनी है, पी ए आर के पार्क, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट वर्ड पर, पी ई एन पेन। अब बताएं पेन क्या है, प्लेस है या पर्सन या थिंग है? ऑफ कोर्स पेन जो है एक थिंग है, तो हमें यहाँ पर पेन की स्पेल राइट करनी है, पी ई एन पेन, ठीक है स्टूडेंट। अब आपको मैंगो, अली, बुक, टीचर, रूम, हाउस, ये जो वर्ड्स दिए गए हैं अलग अलग से, आपको यहाँ पर पर्सन के नाम यहाँ लिखने हैं, प्लेस के यहाँ पर और थिंग के यहाँ पर, ठीक है स्टूडेंट। अब आप समझ होंगे, तो आगे ये सारा काम आपने खुद ने करना है। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफ़िज़। ओके स्टूडेंट, पेज नंबर 24 पे हमने क्या सीखा, 23 और 4 पे हमने नेमिंग वर्ड्स सीखे हैं, ठीक है। क्या सीखे हैं, उन चीज़ों के नाम जिन उन वो बातें जिनके नाम होते हैं, जैसे कि किसी पर्सन के, किसी प्लेस के, किसी थिंग के या किसी एनिमल के। यहाँ पर एनिमल तो नहीं है, लेकिन हमने एनिमल के नेम भी सीखे हैं फ्लैश कार्ड के ज़रिए, ठीक है स्टूडेंट। तो आज हमने ये नेमिंग वर्ड सीखे हैं, और आपको भी ऐसे ही इनकी प्रैक्टिस करनी है। आपके घर में देखें कौन से पर्सन हैं, उनके नेम अलग से आप लिख सकते हैं, कौन सी चीज़ थिंग्स हैं उनके नाम आप अलग से लिख सकते हैं, या कौन सी प्लेसेज हैं, देखें आपका हाउस है तो आप वो लिख सकते हैं, या कि आपके अड़ोस पड़ोस में कोई शॉप है तो वो देखें एक प्लेस है, तो आपको ऐसे ही अलग से ये प्लेस के और पर्सन के और थिंग के नेम अलग अलग करके राइट करने हैं। आप अपनी भी एक्सरसाइज कर सकते हैं घर में, ठीक है स्टूडेंट। और इसे ये रिव्यू करना है आपने।